हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा पूजनीय होने के साथ इनके पत्तों में बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा घर पर तुलसी का पौधा रखने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, हनुमान जी की पूजा और भोग में तुलसी रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सुख समृद्धि धन संपदा की कोई कमी नहीं होती। वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। घर में तुलसी के पौधे को लगाने के संबंध में कई तरह के नियम होते हैं। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो हमेशा ही तुलसी के पौधे का बहुत फायदा उस घर में रहने वाले लोगों को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ नियमों की अनदेखी होती है तो व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं तुलसी के पौधे लगाने के क्या नियम हैं। तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाने पर वहाँ पर रहने वाले सभी सदस्यों को इस पौधे से जुड़े तमाम तरह के फायदे मिलते हैं। घर के आंगन में चकोर आकार का रखने में या फिर गमले में रखना शुभ होता है। तुलसी का पौधा इस शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी के पौधे को गोल आकार के गमले में लगाना भी शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में सकारात्मकता आती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। इस पौधे को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना गया है। तुलसी पूजन में ग्रह दोष और वास्तु दोष का भी नाश होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह रहती है और धन धान्य की परिपूर्णता रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी अमावस्या, द्वादशी और चतुर्दशी का तिथि आए तो इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने पर घर की पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी नाखून का प्रयोग करते हुए तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, बल्कि हमेशा उंगलियों के पोरों की मदद से पत्ते तोड़ने चाहिए। कई लोगों के घर में काफ़ी खुली जगह होती है, ऐसे में यहाँ पर गमले में तुलसी का पौधा लगाने की बजाय जमीन पर लगाना पसंद करते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा जितना हरा भरा होता है वहाँ पर सुख का वातावरण भी उतना ही रहता है। हालाँकि कुछ मान्यताओं में जमीन में तुलसी का पौधा लगाने से वर्जित माना जाता है। दोस्तों, आपने देखा कि तुलसी के पौधे को किस तरह हमें लगाना चाहिए और किस तरह से देख रेख करनी चाहिए, तभी हमारे आसपास सकारात्मकता रहती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।